राज ठाकरे ने मुंबई में रहने वाले सैकड़ों उत्तर भारतीयों से मुलाकात की। इस खास कार्यक्रम में राज ठाकरे पहली बार हिंदी में भाषण देते नजर आए। उत्तर भारतीयों की इस महापंचायत के मंच से भी राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों को हिंदी में धमकी भरे लहजे में भाषण दिया। मुंबई में उत्तर भारतीयों का विरोध करने वाले, उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलने वाले राज ठाकरे खुद उत्तर भारतीयों से सीधा संवाद करने पहुंचे। मुंबई में रह रहे सैकड़ों उत्तर भारतीयों के सामने राज ठाकरे ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया, लेकिन भाषण शुरू करते ही राज ठाकरे ने हिंदी में भी धमकाने वाले लहजे में कह दिया कि हिंदी में भाषण जरूर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हुई हिंसा पर कोई अफसोस नहीं है। राज ठाकरे के वार का उत्तर भारतीयों ने भी पलटवार कर जवाब दिया। रेलवे एग्जाम के वक्त जो यहाँ पे हुई मारपीट हुई, जो फेरी वाले हैं उनको भी इसी चीज का सामना करना पड़ा हमारे लोगों से। मैं जो हर वक्त कहता हूँ, आज देखिए, मैं आज आपके सामने मैं क्लेरिफिकेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मेरी भूमिका जो है, जो मेरी भूमिका पहले से थी, वो सिर्फ आपको हिंदी में बताने के लिए आया हूँ। पहली चीज तो ये कि राज ठाकरे साहब को हमने हिंदी में बुलवा दिया, हमारी आधी जीत तो वहीं हो गई जो आज तक उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरी, उनकी जो मंशा थी, जो आज तक तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती थी किसी नेता के थ्रू, किसी वक्ता के थ्रू, आज उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बोला, जो आपने भी सुना। राज ठाकरे हिंदी में जरूर बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनकी सोच नहीं बदली है। उत्तर भारतीयों की इस सभा में राज ठाकरे ने मुसलमानों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आने वाले मुसलमान दंगा करते हैं। आज महाराष्ट्र में जो मुसलमान रहते हैं, जो महाराष्ट्र के मराठी मुसलमान हैं, जो आप देखिए बहुत सारे इलाकों में रहते हैं, दंगे वहां पे कभी नहीं होते। जो बाहर से आए हुए जो मुसलमान हैं, बाहर के राज्यों से आए हुए मुसलमान हैं, दंगे वहां पे होते हैं। यही बात उल्टी करके एक बार देख लीजिए कि अगर यही बात आपके प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, आप क्या करेंगे? जो अदर स्टेट में विकास नहीं है, पलायन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। यहाँ पे बॉम्बे शहर में बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए लोग आते हैं। उत्तर भारतीयों के सामने ही उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते हुए राज ठाकरे ने गुजरात का भी जिक्र किया। राज ठाकरे बोले कि गुजरात से भी भगाए गए, लेकिन वहां किसी ने पीएम मोदी से सवाल नहीं पूछे। अब भी एक महीने पहले तो गुजरात से निकाल दिए थे। दस पंद्रह हजार लोग तो मुंबई आ गए, लेकिन वो सवाल कभी आप नरेंद्र मोदी को नहीं पूछेंगे। दो दिन से